दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ। बता दें आपको कि सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली की जनता उतरी है। बता रहे हैं आपको कि हर सवाल का पूरी सच्चाई के साथ जवाब दूंगा, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब कुछ किया नहीं तो डरना क्या, ये भी बोले हैं केजरीवाल। सीबीआई मुख्यालय की सड़क से लेकर हर जगह तक सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं दिल्ली से सीधे, जहां पर केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली की जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि आज सीबीआई मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल पेश हुए हैं। उनसे पूछताछ आज होनी है, जिसके लिए वो सुबह 11 बजे दफ्तर पहुंच चुके थे। उनके साथ मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान भी पहुंचे थे, साथ ही अनेकों आपके नेता भी पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए तस्वीरें, दिल्ली की जनता भी सड़कों पर उतर आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। तो शराब घोटाले मामले में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। और देखिए सीबीआई दफ्तर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ का दौर अब लगातार चलेगा। कितनी देर ये पूछताछ होगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली की जनता जो है वो सड़कों पर उतरी है। हर सवाल का पूरी सच्चाई के साथ जवाब दूंगा, ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। जब कुछ किया नहीं तो डरना क्या, ये भी केजरीवाल ने कहा है। सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा को भी साथ ही बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। लगातार देखिए शराब नीति केस को लेकर पूछताछ हुई है, मनीष सिसोदिया भी इसी को लेकर जेल में है। और अब पहली बार ऐसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर लगातार तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, इससे घबरा चुकी है बीजेपी। ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे आपकी तरफ से बीजेपी पर। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधे दिल्ली का, जहां से सहयोगी विनय है लाइव हमारे साथ। विनय, क्या है जानकारी आपके पास ताजा? शराब घोटाले मामले को लेकर सीबीआई दफ्तर में मौजूद है फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और बिल्कुल एक घंटे का समय लगभग हो चुका है जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। लगभग 11:05 में, 11 बजे का समय उनको यहां पहुंचने का था। 11:05 पर अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे। ये वही सीबीआई दफ्तर है जहां पे फिलहाल अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और सीबीआई की टीम उनसे आबकारी नीति मामले में पूछताछ कर रही है। और चूंकि अब कई सवाल हैं सीबीआई की टीम के पास जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल से जानने हैं, तो वो एक एक करके वो तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि एक आरोपी समीर महेंद्रू की तरफ से ये कहा गया है कि जो आबकारी नीति जब ये तैयार हो रही थी, जब इस पे चर्चा हो रही थी, तब ये अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनसे वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। और इसी आधार पर और समीर महेंद्रू की इसी बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन दिया, जिसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया। और अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, सवालों की जो लिस्ट है उसके जवाब दे रहे हैं। सीबीआई ये जानना चाहती है, सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या जब ये आबकारी जो नीति है जो बन रही थी जब दिल्ली की, तो क्या इसकी जानकारी आपको थी, जो ड्राफ्टिंग थी इसके बारे में आपको जानकारी थी? ये भी सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल से जानना चाहेगी कि जो भी कमीशन की बात हो रही है, जो कमीशन लेने की बात हो रही है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी थी? क्या इन जो पैसों का जो कमीशन की बात हो रही है उसका पैसा आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी ने जो पैसा आया है इस आबकारी नीति से, कहा जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ रुपये का यह पूरा मामला है, क्या उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव या किसी अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव में किया है? तो इस तमाम तरह के सवालों के जवाब समाज फेयर लिस्ट है सीबीआई के पास, उसके जवाब जानने के लिए यहां बुलाया गया है। देखना है कि कितने घंटे की पूछताछ होती है। सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी हैं, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के अन्य जो नेता हैं, बाकायदा खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उनके साथ उनके आवास से निकले और राजघाट पहुंचे। राजघाट पर कई लोगों को रोका गया। अरविंद केजरीवाल को जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इससे नाराजगी जाहिर करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ जगह से ये भी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।
तमाम तरह से आक्रोश यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बयान दिया है कि सरकार लगातार दिल्ली की जनता के लिए जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार उससे परेशान है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की आवाज़ को दबा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि फिलहाल जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद उनको लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि जब आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो क्या होगा, पूछताछ के बाद कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब आज सुबह अपने आवास से निकले तो उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो अपना वीडियो बयान दिया और ये कहा कि संभावनाएं हैं कि अगर उनको सीबीआई को बीजेपी आदेश देगी तो बीजेपी के आदेश पे सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी गिरफ्तारी की बात आज कही है कि अगर ऐसा होता है तो ये कहा है कि जो दिल्ली की भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं वो काम रुक जाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी आहत हो रही है आम आदमी पार्टी के कामों से, इसीलिए इस तरह से उनकी आवाज़ दबाने की काम कर रही है। कल भी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली विधानसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त अदानी पर सवाल खड़े किए थे, इसीलिए उनको फंसाया जा रहा है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हिरासत में उनको लिया जा सकता है, तमाम तरह की संभावनाएँ आम आदमी पार्टी लगातार जता रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी जवाबी में कहा गया है कि पूछताछ हो रही है, काम कर रही है सीबीआई अपना, और चूंकि अगर किसी तरह का कोई घोटाला या कोई घपला नहीं हुआ है तो पूछताछ से डर किस बात का, यह बात बीजेपी लगातार कह रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, देखना है कि कितने घंटे की पूछताछ चलती है, कितने सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया पहुंचे थे सीबीआई तो सीबीआई ने कहा था कि मैं लौटूंगी आपके पास, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आपका ट्वीट सामने आया है, देश को शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल देने की मिल रही है सजा, इस जुल्म के खिलाफ आपकी लड़ाई जारी रहेगी, ये ट्वीट क्या है। और देखिए ना केवल ट्वीट बल्कि हम लगातार देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि जो पोस्टर वॉर है वो भी देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, देश को शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल देने की सजा मिल रही है, साथ ही लिखा है कि इस जुल्म के खिलाफ आपकी लड़ाई जारी रहेगी। तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी जो तमाम बातें हैं वो लिखी जा रही हैं, तो उसी क्रम में ये ट्वीट भी है जहां लिखा गया कि देश को शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल देने की सजा मिल रही है, इस जुल्म के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आपकी तरफ से, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी सीबीआई के मुख्यालय में मौजूद है, पूछताछ उनसे अब की जाएगी, तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं सीधे विनय का ही। विनय देखिए लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम जो आपके बड़े बड़े नेता हैं सभी उतरे हुए हैं, और उसी क्रम में ये ट्वीट भी है जहां पर उनकी तरफ से लिखा गया कि देश को शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल देने की सजा मिल रही है, इस जुल्म के खिलाफ आपकी लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल शुरू से ही आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जब दिल्ली के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जब ईडी ने उनको हिरासत में लिया था तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की आवाज़ दबा रही है बीजेपी, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया, अब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को या मंत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या फिर उनके यहाँ किसी तरह की छानबीन होती है या फिर उनके यहाँ जांच होती है तब आम आदमी पार्टी इस तरह की बात कहती है। अब चूंकि खुद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, पूछताछ चल रही है, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की तरफ से लाजमी है। जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा भी हो रहे हैं, बाकायदा खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो आला नेता हैं आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वालों में से आम आदमी पार्टी के एक तरह से ये कह सकते हैं कि जन्मदाता हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली नहीं पहुँच सके हैं वो पहुँचे हैं वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखना है कि इन प्रोटेस्ट का क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है
हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने सीबीआई की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सवालों की, उसके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने हैं। अरविंद केजरीवाल के जवाबों से सीबीआई कितना संतुष्ट होती है, कितना सहमत होती है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था आईसी सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए, तब सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो जवाब हैं वो संतुष्ट नहीं उसके मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई। इसके बाद यही कहते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया था। लेकिन अब जब खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँचे हैं तो देखना है कि कितना संतुष्ट होती है सीबीआई अरविंद केजरीवाल के जवाबों से, क्योंकि तमाम तरह की जो सवालात हैं वो लिस्ट तैयार है सीबीआई के पास। अरविंद केजरीवाल भी तैयार होके आए हैं, उनका कहना है कि वो सभी सवालों का जवाब देंगे और किसी भी जांच से वो घबराते नहीं हैं। और इसलिए जब उन्होंने ये कल जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो सीबीआई के सामने पेश होंगे और सहयोग करेंगे। देखना है कि सीबीआई कितना संतुष्ट होती है अरविंद केजरीवाल के जवाबों से। और साथ ही साथ जिस आबकारी नीति को लेकर ये कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखते हुए ऐसे लोगों को इस आबकारी नीति के तहत आवंटन दिया गया जो कि ब्लैकलिस्टेड थे, कई तरह के यहाँ पे नियमों का उल्लंघन किया गया, कई नियमों को ताक पर रखा गया, तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे जो आरोप लगाए गए हैं इस आबकारी नीति को लेकर, उसके तहत सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ही नहीं बल्कि आपको मैं यही बता दूं कि इस मामले में ईडी भी जाँच कर रही है। सीबीआई ने अलग एफआईआर की हुई है, ईडी ने अलग एफआईआर की हुई है। दोनों ही एफआईआर में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन चूंकि एक आरोपी समीर महेंद्र, और देखिए बिना देखना होगा कि जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हैं या फिर क्या होता है, या फिर कल भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं, सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमको देने के लिए।